पहले रिजल्ट आया पास, बाद में फेल हो गए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कल आया था छात्रों का रिजल्ट आने के बाद फिर उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि उनके बैग लग गई है या फिर इसमें कुछ शो हो रहा पीला कलर का या फिर ब्लू कलर का, तो क्या है पूरी अपडेट बताएंगे और साथ में ऑडिट वन क्लियर ऑडिट टू क्लियर क्या मतलब है, कैसे छात्रों का डाउट है, कैसे हमारा पहले क्लियर था बाद में बैक हो गया, तो ऑडिट वन क्या है, CSS पाइथन को लेकर क्या पूरी अपडेट है और जो रिजल्ट है जिनका आया है जिनका आ रहा है बाकी कब आएगा इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक चाहिए सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए करते हैं स्टार्ट क्या पूरी अपडेट। एक सब्जेक्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग। अब इसमें कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें क्या CA करके, यानी ये क्रेडिट वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, नॉन क्रेडिट होता है, बट इसमें उसके अलावा मैं आपको जो CSS पाइथन का होता है उसको दिखाता हूँ। यहाँ पे है कि ऑडिट वन क्लियर्ड और ऑडिट टू क्लियर्ड, ठीक है। तो जहाँ अगर आपके 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 रिजल्ट में अगर ये लिख के आ रहा है कि ऑडिट वन क्लियर ऑडिट टू क्लियर, तो इसका मतलब है कि आप पास हैं, क्लियर लिखा है। अब दो नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट में से किसी एक का क्लियर होना ज़रूरी है, तो इसका मतलब है कि आप पास हो जाएंगे। क्रेडिट सब्जेक्ट होता है जिनमें से एक क्लियर करना ज़रूरी होता है, जिसे करने के बाद आपकी डिग्री आ जाती है, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपका CSS पाइथन में से कोई एक क्लियर है या फिर कोई नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट जो भी है एक क्लियर है तो आप पास हैं, आपकी डिग्री मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजिंग होता है तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको मेंबरशिप सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं फिर एक बार बता दूँ कि ऑडिट वन क्लियर का मतलब होता है कि आपका जो नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है वो क्लियर है, ऑडिट टू क्लियर का मतलब है कि ऑडिट टू आपको क्लियर है, दोनों में से वो एक क्लियर होना ज़रूरी है। एक अगर आपने क्लियर कर लिया, दूसरा करिए ना करिए वो आपकी मर्ज़ी, उससे कोई इशू होने वाला नहीं है। तो ये CSS पाइथन का सब्जेक्ट हो गया, यानी CSS में पास है तो पाइथन देने की ज़रूरत नहीं, पाइथन में पास है CSS देने की ज़रूरत नहीं है। अब आते जो आप लोग कमेंट उसको रिप्लाई देते हैं, फिर बात करते हैं रिजल्ट को लेकर। चार सेमेस्टर में बैक दिया था और नंबर नहीं चढ़ा है, 70 नंबर पर बैक दिखा रहा है सर। तो 70 नंबर पर आपका कि अभी रिजल्ट अपडेट हो रहा है, यानी बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका रिजल्ट क्या हो रहा है अभी अपडेट हो रहा है, यानी पहले नंबर आपका पास था बाद में फिर फेल हो रहा, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों से ऐसा हुआ कि रिजल्ट जो है क्या हो रहा है वो अपडेशन का काम, यानी 2 से 3 दिन अभी एक हफ्ता तक वेट कर लीजिए, अभी रिजल्ट अभी कुछ है कल कुछ हो जाता है, तो पहले पास हैं बाद में फेल हैं, यानी उसमें अपडेशन चल रहा है, अभी उसमें फाइनल रिजल्ट नहीं आया। जब भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2-4 दिन में आप, क्योंकि उसमें कुछ बदलाव हो रहा है, हालांकि फाइनल ही होता है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है, तो परेशान की ज़रूरत नहीं है। जिनका रिजल्ट आ चुका है अच्छी बात है, जिनका अभी नहीं आया तो अपडेट हो रहा है, वो कम ज़्यादा हो रहा है थोड़ा बहुत, तो 2-4 दिन वेट करें, जो आएगा फाइनल वही होगा, ठीक है। बाकी छात्रों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा बदला नहीं, बदला यही है कि पहले उनका कुछ होता है बाद में कुछ हो जाता है, किसी का पीली हो जाती है कलर, किसी का रेड कलर आती है, तो आपको अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, समझ में नहीं आता तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करिए, कॉल कर लें, आपको समझा दूँगा। 10 से 5 बजे के बाद मैं फ्री रहता हूँ, तो आप मुझे उस टाइम कॉल लगा सकते हैं। बाकी एक स्टूडेंट और इनका क्या सवाल है, सर प्लीज़ रिप्लाई कि मेरा फर्स्ट ईयर में बैक थी और वो मैंने क्लियर कर ली है, फिर उसमें PCP क्यों दिखा रहा। अगर आपने बैक क्लियर कर ली है PCP दिखा तो उससे कोई मतलब नहीं है, और डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर आए हैं, बैक क्लियर है कि नहीं है वो आपका देखने के बाद ही पता चलेगा। तो नंबर है तो मेरे पास भेज के पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर मेंबरशिप ज्वाइन करके कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्टूडेंट और हैं 2-3 लोग, यहाँ क्या पूछे हैं, सर मेरा 68 नंबर फिर भी बैग दिखा रहा। तो मैंने कहा ना अभी 2 से 3 दिन एक हफ्ता में रुक जाइए, रिजल्ट अपडेट हो रहा है, कुछ दिन में अपडेट हो जाएगा और दोबारा से सही हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अभी क्या करिए वेट कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा सर आपने UFM रिजल्ट को लेकर लोगों को मोबाइल नंबर लिखने की वजह से, तो UFM का जो रिजल्ट लोग लिखने की वजह से लगा वो हटाया जाएगा। भाई UFM जो जिनका लगा था उनका रिजल्ट अपडेट अभी मुझे ऐसा कोई अपडेट नहीं आया, अगर कोई अपडेट आती है UFM का रिजल्ट आ गया तो बताऊंगा मैं, लेकिन हाँ चेक करते रहिए, 1 वीक पे ही आएगा और कुछ दिन के बाद आ जाता है रेगुलर के आने के बाद। 5th और 6th सेमेस्टर का ऑडिट क्लियर दोनों क्लियर हैं शो कर रहा है, और अब 5th और 6th सेमेस्टर दोनों में एक ही में बैक शो हो रहा है। अगर आपका ऑडिट क्लियर है तो इसमें मतलब आप पास हैं, और जो बैक दूसरे सब्जेक्ट में शो हो रहा है वो बैक देनी पड़ेगी, लेकिन ऑडिट क्लियर अगर है तो कोई से प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टूडेंट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, सर 5th सेमेस्टर का चैलेंज ट्यूशन का रिजल्ट कब आएगा। तो आपने कब डाला है, जब डाला है उसे 75 दिन के बाद आता है, थोड़ा वेट करिए, अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म करेंगे। बैक ई शो हो रहा, ई का मतलब है कि आप लास्ट ग्रेड से पास हो, यानी अगर आपका ई एफ होता तो आप फेल होते हैं, ABCDE तक पास है, ई के बाद ई एफ आता तो उसका मतलब आप फेल हैं, तो कोई इशू नहीं आप पास हैं। उसके अलावा सर स्पेशल कैरियर अभी तक कोई अपडेट है, अपडेट आएगी तो बताएंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए। उसके अलावा सर मेरा भी रिजल्ट क्लियर हो गया, डिवीज़न अवार्ड नहीं शो हो रहा है और CGPA दिखा रहा है,
और ना इसी पे दिखा रहा। तो इसको लेकर 10 से 15 दिन का टाइम लग सकता है, कभी कोई जल्दी अपडेट हो जाता है, तो कभी इसको लेकर थोड़ा परेशान ना होइए और ये जल्द से जल्द आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है, 10 से 15 दिन में। बाकी जो है यही सारे डाउट थे, सवाल थे छात्रों के कि रिजल्ट पहले बाद फेल, पहले पास हो रहा बाद में फेल क्यों जा रहा। तो वजह ये कि अभी रिजल्ट अपडेट हो रहा है, 2-3-4 दिन और वेट करिए और जो भी रिजल्ट आपका है जो एक्चुअल वही माना जाएगा वही रहेगा, ठीक है, परेशान जरूरत नहीं। बाकी ऑडिटोरियम के लिए मैं समझा दिया हूँ, कोई और डाउट हो जिन बच्चों का रिजल्ट अभी नहीं आया है थोड़ा वेट करिए, कल तक में रिजल्ट आने के चांसेस हैं, कोई भी रिजल्ट आता तो आपको मैं अपडेट देने की कोशिश करूँगा। बाकी और समझ में ना तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपको वहाँ मिल जाएगा ज्वाइन करने के बाद, और फिर डायरेक्ट मुझे उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। बच्चा आपका कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।